क्यूबिन गेट्स ये माइक्रोसॉफ्ट कंपनी, और जेके रोलिंग की हैरी पॉटर सीरीज वन ऑफ द वर्ल्ड फेमस में काउंट होती हैं। जानने के लिए बने रहना वीडियो के एंड तक। यो गाइस, स्वागत है आपका एक इंडियन बुक ट्यूबिंग चैनल एनएम बुक्स पे, और मेरा नाम है नमिश मित्तल। सो गाइस, आज हम करने वाले हैं डीप वर्क का बुक रिव्यू। मैंने इसकी एक बुक अनबॉक्सिंग वीडियो भी डाली थी, तो इसका रिव्यू शुरू करने से पहले जो मैंने वीडियो डाली थी उसका 100 व्यूज क्रॉस कर दिया है, और काफी आदमी वीडियो भी खरीदे। तो गाइस, सबसे पहले हम बात करने थे इस बुक के बारे में। ये मैंने अमेजोन से मंगवाया था, एक पेपर बैक एडिशन है, और अगर आपको ये बाय करनी है तो इसका लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। और इसके अंदर कुछ 300 के आसपास पेजेस हैं, और ये ऐसी है पेपर बैक एडिशन इसका। तो गाइस, इस बुक को लिखा है कार न्यूपोर्ट ने। इस बुक के जो ऑथर है उनका नाम है कार न्यूपोर्ट। तो गाइस, सबसे पहले जो ऑथर है ये हमको ये बताते हैं कि डीप वर्क व्हेन यू बीन क्यूर, डीप वर्क का क्या मतलब है। तो सबसे पहले हम डीप वर्क का मतलब जान लेते हैं। तो डीप वर्क का मतलब ये है कि हम कोई भी काम थोड़े लंबे टाइम के लिए बिना डिस्ट्रैक्शन के और अपने दिमाग का पूरा 100% यूज़ करते हुए करते हैं, तो उसे डीप वर्क कहते हैं। और डीप वर्क करने के लिए आपके आसपास एकदम शांति भी होती है। तो डीप वर्क करने के लिए जैसे कि बिल गेट्स और भी बहुत सारे फेमस लोग क्या करते हैं कि वो दो थिंक वीक्स रखते हैं पूरे साल में। ये मैं आपको बिल गेट्स के बारे में बता रहा हूँ। और वो उस थिंक वीक के अंदर एक ऐसी जगह पे जाते हैं जो एकदम शांत, और वहाँ पे वो पूरे अपनी कंपनी के बारे में प्लानिंग करते हैं जो फ्यूचर में क्या क्या वो अपनी कंपनी में अपग्रेड्स वगैरह करने वाले हैं। तो गाइस, अब हम जान लेते हैं कि डीप वर्क जो है वो वैल्यूएबल क्यों है। तो ऑथर के हिसाब से आने वाली इकोनॉमी में सिर्फ तीन तरह के लोग सर्वाइव कर पाएंगे। एक जो बहुत ही अमीर हो और बड़ी बड़ी कंपनीज के शेयर्स वगैरह में इन्वेस्ट कर सके। दूसरा जो भी नई टेक्नोलॉजी, प्रोग्रामिंग और कोड्स वगैरह आ रहे हैं उनको बहुत ही जल्दी सीखने और सबको बता के मदद कर सके, क्योंकि आने वाली जो हमारी इकोनॉमी होने वाली है उसे टेक्नोलॉजी के ऊपर होने वाली है। और तीसरा जो अपनी अपनी फील्ड में, तीसरे लोग वो जो अपनी अपनी फील्ड में पूरे एक्सपर्ट हो। तो हम सब के लिए सबसे ईजी है ये थर्ड पर्सन बनना जो अपनी अपनी फील्ड में एक्सपर्ट हों। तो उसलिए और अपनी अपनी फील्ड में एक्सपर्ट होने के लिए हमको डीप वर्क करना चाहिए ऑथर के हिसाब से। और अब हम डीप वर्क कैसे कर सकते हैं, उसकी आदत हम कैसे डाल सकते हैं, वो ऑथर ने इस बुक में बताया हुआ है। तो आप इस बुक को पढ़ सकते हैं, काफ़ी अच्छी बुक है, और मेरे को भी ये बुक काफ़ी अच्छी लगी। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय।